हेलो व्यूअर्स, आज जो हम अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं वो सैमसंग का मॉडल है A20s और ये विजन है 3/32 में। हम इसके अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमारा पार्ट टाइम मोबाइल स्टोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मोबाइल एंड मोबाइल रिलेटेड एक्सेसरीज की अनबॉक्सिंग इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और हम देखते हैं कि हमें इस अनबॉक्सिंग में क्या क्या देखने को मिलता है। हेलो व्यूअर्स, तो हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और करके देखते हैं। इससे पहले हम कुछ डब्बे की तरफ, बुक्स की तरफ नज़र डालने के लिए हमें बुक्स में ऊपर हराठी में क्या लिखा हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी A20s। और इसके बाद ये इसकी पैकिंग आ रही है और पैकिंग के बाद PDA से अप्रूव्ड का स्टिकर लिखा हुआ है और इसकी अगेन पैकिंग आ रही है। और इसके अलावा इसकी ये हमारे पास A20s मॉडल आ रहा है और जो बाकी चीज़ें इसकी लिखी हुई हैं और ज़रा इसकी वारंटी कार्ड में छुपी हुई हैं तो इसलिए हम देख नहीं सकते तो क्या क्या बाकी यही कुछ है। हम इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। हमने इस पहले बैग पर इसका उतारते हैं। हम ये बैग पर मैंने उतार लिया है। ओके, ये इसके साथ ही इसका कार्ड दिया गया है और इस कार्ड की स्टार्टिंग डेट एरा वगैरह लिखनी है। ठीक है, और इसके साइड में करते हैं और आप इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। देखते हैं, हमें ये देख के हमने खोल लिया है और इसको हम रखते हैं साइड पे। ओके, और इसके बुक्स में देखते हैं हमें देखने को क्या मिल रहा है। इस बुक्स में हमें एक पैक बुक्स मिल रहा है। बुक्स के अंदर इसमें खास नहीं होता, ये हर मोबाइल में होता है और इसमें सिर्फ MIUI नंबर लिखे होते हैं। और फाइनली हम इसको खोलते हैं, इसके अंदर हमें देखते हैं क्या मिल रहा है। तो कॉपीज मिली हैं, स्टार्ट मेन्यू है और क्विकली स्टार्ट मेन्यू ये वगैरह इसके मोबाइल के मुतलक लिखा हुआ है दो लफ्ज उर्दू में और इसके अलावा हमारे पास है इंग्लिश में। तो हम फाइनली ये डिवाइस है हमारी, इसको हम साइड में रखते हैं और बुक्स में देखते हैं हमें और देखने को क्या मिलता है। बुक्स में हमें एक चार्जर मिलता है देखने को जो बिल्कुल लाइट वेट है और बेहतरीन चार्जर्स लग रहा है और इस पे लिखा हुआ है फास्ट चार्जर एंड आई होप, मुझे नहीं लगता ये फास्ट सपोर्ट करता हो, पता नहीं लिखा है बुक्स में निकला है तो आई होप फास्ट ही सपोर्ट करता होगा। आई थिंक 10 वाट तक होगा और कन्फर्म नहीं कर सकते। और इसके साथ ये एक नॉर्मल सी केबल दी हुई है उन्होंने, नीचे चाहिए पेन दी है सिम निकालने के लिए। और इसके अलावा इस बुक में हमने देखने को एक सोनी के हेडफोन जो कि हर मोबाइल में होते हैं, बस गुजारे के लायक इनकी क्वालिटीज होती हैं। और इस साइड में करते हैं, बाकी बुक में और कुछ नहीं है खास। तो हम फाइनली डिवाइस की तरफ जाते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं। हमें कुछ फीचर्स हाईलाइट दिए गए हैं, ये वाकई ही फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, उन्होंने उसके बारे में बताया है कि इसका डिस्प्ले के बारे में बताया है और इसका कैमरा है ट्रिपल वो बताया हुआ है और फास्ट चार्जर बताया हुआ है सैमसंग। ये कुछ फीचर्स हैं, इसको अनबॉक्सिंग कर अनपैकिंग करते हैं और देखते हैं हमें मोबाइल की डिवाइस कैसी मिलती है देखने को। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है, ये देखें। और ये देखें, मैं आपको बताता जाऊँ, ये ग्लास नहीं है, प्लास्टिक बॉडी है बट अच्छी वाली बॉडी है। और इसके साथ हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसकी पावर की है और कुछ नहीं है नीचे की तरफ, इसके स्पीकर चार्जिंग हैंड फ्री और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, सिम चेक दी हुई है और इसके अंदर कुछ नहीं है। ये ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है और इसके बाकी इसके अंदर खास नहीं है। देखना, अब इस डिवाइस को ऑन करते हैं और देखते हैं हमें कैसा डिस्प्ले इसका देखने को मिल रहा है। और इसकी जो 4G का है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है इसका और इसकी जो 164 और 9 mm इसका जो HD+ TFT डिस्प्ले है
और इसका मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल है, प्लस 5 मेगापिक्सल का लेंस है, प्लस 8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियल कैमरा है, और इसके साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और ये 3:32 पे है। ये कुछ मालूमात थी जो मैंने आपको दे दी हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है गो, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करनी जबान इसकी, मैं सेटअप कर लूँ फिर आपको दिखाते हैं बताते हैं अगले कैमरे की और दूसरी परफॉर्मेंस कैसी है। ये फाइनल डिवाइस हमारे पास ओपन हो गई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है देखने को और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लग रही है। इसका पैनल मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, और जो इसका पैनल है बेहतरीन लगा हुआ है, और बाकी इसका सॉफ्ट टच बहुत अच्छा है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल ईजी है। आप जैसे मर्ज़ी लगाएं और मैन्यू ऊपर की तरफ से नीचे करोगे तब भी मैन्यू ओपन होगा, नीचे से आप ऊपर से डाउन करेंगे तब भी होगा। बाकी ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको देख रहे हैं, और इसके ऊपर बाकी ये सिंपल डिवाइस है, बेहतरीन डिवाइस है, और इसमें जो कैमरा है उसकी भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मुझे कैमरा अच्छा लग रहा है, हम इसका फोकस चेक कर लेते हैं, और ट्रिपल कैमरा सेटअप है तो इसका फोकस भी अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल, इसका फोकस बाकी जो कैमरा कर रहे हैं उनकी निस्बत में बहुत अच्छा है। ये देखें जूमिंग भी फटती नहीं है, ये देखें यहाँ तक बिल्कुल बेहतरीन है, और कैमरे का जो जूमिंग है ये भी देख लेते हैं हम कैसा रहता है, और हम इसका कैमरा ऑन करते हैं और कैमरे का जूमिंग है जो वो जाता है 4x तक। जी x 4.0 तक इसका जूम ही जाता है अगर हम जूम करें इसको, ओके। और बाकी अगर आप इसका कैमरे का फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं कि हम इसका कैमरे का फुल रिव्यू बता देंगे आपको, करके दिखा देंगे। और इसके अलावा जो सेल्फी कैमरा उसका भी अच्छा है, और इसके 3:32 में है, लेकिन गेमिंग तो नहीं कर सकते आप इतनी हैवी, लेकिन इसमें आप ये है यूट्यूब फेसबुक सोशल मीडिया नेटवर्क चलाने के लिए ये बेहतरीन, आप आराम से चला सकते हैं इसको, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ट्रिपल कैमरा अल्ट्री लाइट कैमरे के लिए भी सही परफॉर्मेंस अदा करेगा, और इसकी जो वीडियो आप HDR 1080p पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी मुझे तो ओवरऑल ये डिवाइस अच्छी लगी है, और लेकिन इसकी जो डिवाइस के प्राइस रखी गई है वो इस डिवाइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, जो कि 30,500 रखी गई है, और जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक इसकी प्राइस बहुत हाई है, और इसकी प्राइस होनी चाहिए थी 20,000-21,000 or 22,000 rupees, और इस प्राइस में अगर आप 30,500 प्राइस में देखें, जो कि ओप्पो और वीवो कंपनीज हैं, वो बेहतरीन तरीके में इससे भी अच्छे रिजल्ट और परफॉर्मेंस में आपको मिल जाएगी 4 GB RAM और 128 GB SSD के साथ, और 64 GB SSD के साथ तो आम नॉर्मली मिल जाती है इससे अच्छी बेहतरीन डिवाइस। इस हिसाब से देखें तो साफ ज़रा सैमसंग अपने नाम के पैसे ले रहा है, सैमसंग लोगो एक सैमसंग चल गया है बस, उसी के लोगों के पैसे ले रहा, बाकी तो इसमें खास नहीं है। बाकी जो अगर आप इसका लोगो ना लें तो फिंगर ओप्पो या दूसरी कंपनियों में बेहतर मिल जाएगा। बाकी इसकी जो फिंगरप्रिंट की मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा सा टाइम लेती है, फास्टली नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, देखें ये देखें थोड़ा सा टाइम ले रही है। एक नॉर्मल यूज़र जिसने सोशल मीडिया देखनी है, फेसबुक व्हाट्सअप देखना है, वो उसके लिए तो ये बेहतरीन डिवाइस है। अगर आप इसे अगर आप देखें हमने हैवी गेमिंग करनी है या मैंने हैवी प्रोग्रामिंग करनी है तो इसके लिए ये मोबाइल बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप इसकी तरफ ना आए। एक नॉर्मल यूज़ के लिए, एक फीमेल यूज़ के लिए तो इस बेस्ट डिवाइस है, अगर वो नॉर्मली घरेलू औरत है उसके लिए ये बेस्ट डिवाइस है।
मैंने आपको सैमसंग का मॉडल गैलेक्सी 20S का अनबॉक्सिंग और रिव्यू बता दिया। अगर आपके कोई माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इसके कैमरे का फुल रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम इसके कैमरे पर भी फुल रिव्यू के साथ वीडियो आपको बना देंगे, शूट कर देंगे इसके रिज़ल्ट और परफॉर्मेंस के मुताबिक। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं अनबॉक्सिंग की, मोबाइल मोबाइल एक्सेसरी के रिलेटेड, तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है पार्कलैंड मोबाइल स्टोर, इसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन प्रेस करें। और एक गुड न्यूज़ है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकॉन प्रेस करते हो और वीडियो को करते हो लाइक, हम आपको शामिल कर लेंगे कुरान नाजी में शामिल। और ये जो वीवो का मोबाइल, यानी जो वीवो कंपनी का मोबाइल, उसका एक मोबाइल आपको हम देंगे बिल्कुल फ्री, जल्दी से कर लें। वो जो बंदा कुरानाजी होगी, कुरानाजी के ज़रिए जो बंदा इसका हकदार होगा उसको होगा, हो सकता है उसमें से आप भी खुशकिस्मत आप हों, तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें और लाइक वीडियो को ठोक दें। और हमारे जो इसका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम है वहाँ भी जाके भी फॉलो कर लें हमें। अगर आप ये हर जगह फॉलो करते हो तो आप हकीकत बात है वीवो के एक टच मोबाइल के मालिक बन सकते हो। मुझे दें अपने होस्ट साजिद महबूब इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।